नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बैच फ्लावर रेमेडीज, जिसको BFR भी कह देते हैं, उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन रेस्क्यू रेमेडी के बारे में बात करने वाले हैं। इनफैक्ट इस मेडिसिन के लिए मेरे पास बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर रेस्क्यू रेमेडी पर एक वीडियो बनाएं। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको ये भी एडवाइस करूंगा, अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो लोग जो मेरे से कमेंट सेक्शन में कुछ पूछते हैं से रिक्वेस्ट है, प्लीज ऊपर जाके चैनल में मेरे उस टॉपिक को आप सर्च कर लीजिए, आपको वहां उसके जो भी क्वेरी है या जो भी बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं वहां वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बैच फ्लेवर रेमेडीज के बारे में। देखिए, बैच फ्लेवर रेमेडीज अगर हम बात करें, थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको दूं, तो ये 38 जो है बैच फ्लेवर रेमेडीज होती है और एक जो 39th मेडिसिन है वो है रेस्क्यू रेमेडी। अब इसको मैं आपको रेस्क्यू रेमेडी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि होम्योपैथी में या कोई भी मेडिसिन के कुछ अलग अलग सिम्टम्स होते हैं और इस सिम्टम्स के अनुसार ही हम जो बीमारी होती है जिसको कहते हैं उसके लिए हम उस मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जब एक पेशेंट के अंदर आपको मोर देन वन मेडिसिन यूज़ करनी होती है, यानी हो सकता है आप दो या तीन मेडिसिन यूज़ करें एज पर सिम्टम्स कम्बिनेशन बना के। तो कुछ ऐसा ही आपकी बैच फ्लावर रेमेडीज़ के अंदर भी है, जिसके लिए डॉक्टर एडवर्ड बैच ने आपको एक मेडिसिन दी जिसका नाम है रेस्क्यू रेमेडी। और ये रेस्क्यू रेमेडी एक इकलौती मेडिसिन है बैच फ्लावर रेमेडीज के अंदर, जो कि कम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है। जो 38 मेडिसिन है उन्हीं में से 5 जो मेडिसिन है उसका कम्बिनेशन है, उसका नाम है रेस्क्यू रेमेडी। दोस्तों, इसका नाम रेस्क्यू रेमेडी क्यों पड़ा? देखिए, हम लोग रूटीन में कई बार देखते हैं कि मान लीजिए कोई जगह है जहां पर कुछ लोग रहते हैं, वहां पर कुछ टेररिस्ट अटैक हो गया, आतंकवादियों ने हमला कर दिया, तो आर्मी जाती है, एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है और सबको बचा के लाती है। तो रेस्क्यू यानी कोई इमरजेंसी सिचुएशन में जब हम लोगों की जान बचाते हैं तो वो जो ऑपरेशन होता है वो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। कुछ ऐसा ही ये मेडिसिन करती है कि आपके शरीर के अंदर कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन बन जाए, वो फिजिकल हो सकती है यानी शारीरिक कोई बीमारी हो सकती है या मानसिक मेंटल कोई बीमारी हो सकती है, कि इस तरह की सिचुएशन हो जाए जब लगे कि एकदम इमरजेंसी आ गई है, अब क्या किया जाए। दोस्तों, वहां की मेडिसिन है रेस्क्यू रेमेडी, वहां पर ये मेडिसिन जो है उस पेशेंट को एक नया जीवन देती है। अब हम इसी मेडिसिन को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रेस्क्यू रेमेडी एक फर्स्ट एड रेमेडी है, जो चाहे कभी भी कोई फिजिकल इमरजेंसी है या कोई मेंटल इमरजेंसी है वहां पे पेशेंट को एक नई लाइफ देगी। और मैंने बताया इसके अंदर आपको 5 मेडिसिन है जो मिली हुई है, उन मेडिसिन को बहुत ही शॉर्ट के अंदर हम यहां समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है हमारी स्टार ऑफ बैथलेम। दोस्तों, स्टार ऑफ बैथलेम क्या करती है कि जब मान लीजिए किसी की लाइफ के अंदर कोई भी तरह का फिजिकल या मेंटल शॉक हुआ, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, उसके कारण उनकी बॉडी के अंदर कोई भी तरह की बीमारी आएगी या कोई सिम्टम आएंगे या लक्षण आएंगे, तो उनको ये मेडिसिन दूर करती है। अगर मैं कुछ उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उनका अचानक एक्सीडेंट हो गया, वो रोड पे जा रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड इजी मूड में जा रहे हैं और अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके ऊपर मान लीजिए कोई पेड़ गिर गया है या उनकी जो है कोई गाड़ी से दूसरी गाड़ी टकरा गई, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेड कुछ एक्सीडेंट हुआ, उसके कारण उनको हो सकता है कोई फिजिकल चोट लगे या एकदम मेंटली वो डर जाएं, घबरा जाएं, तो ये जो फिजिकल और मेंटल जो शॉक उनके अंदर लगेगा, उसके कारण उनके शरीर में जो भी घबराहट, बेचैनी या हो सकता है कोई चोट लगे, ऐसी जो सिचुएशन बनेगी, वहां की जो मेडिसिन है वो स्टार ऑफ बैथलेम है। इसी तरह से हो सकता है आप रूम में जैसे बैठे हो और अचानक आपको दिखा आपके रूम में कोई सांप आ गया है, तो उस टाइम जो है आपको एक मेंटल शॉक लग जाएगा, आप घबरा जाएंगे और आपकी बॉडी में शारीरिक और मानसिक रूप से कई लक्षण प्रकट होने लगेंगे। ऐसी इमरजेंसी कंडीशन की मेडिसिन होती है स्टार ऑफ बैथलेम। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है चेरी प्लम। दोस्तों, चेरी प्लम कि अगर हम बात करें कि मेडिसिन ऑफ डिस्पेरेशन, यानी वो कंडीशन जब कोई आदमी दुस्साहस कर बैठता है। दुस्साहस से दोस्तों ये क्या मतलब होता है कि कोई भी एक हेल्दी आदमी के अंदर उनका जो फिजिकल, उनकी बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं या वो जो भी करते हैं उनका माइंड कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर क्या होता है कि उनका माइंड कुछ सडन मूवमेंट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे उनका माइंड जो है उनका बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता और उनकी बॉडी से यानी अपने शरीर से कुछ ऐसी हरकतें कर बैठते हैं, कोई ऐसा नुकसान कर बैठते हैं खुद का, अड़ोस पड़ोस में, घर में या किसी दूसरे का, जिसके कारण की जो है उनको कई बार बाद में पछताना पड़ता है। मान लीजिए कोई आदमी है, उनको अचानक गुस्सा आ गया और गुस्से में उनके उन्होंने खुद को ही अपने को चाकू से काट लिया या ब्लेड से काट लिया। दूसरा मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए कई बार केस देखते हैं कि एक आदमी है अपने घर में लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, छोटा बच्चा खेलता हुआ अचानक आया
और उनके साथ जो है उनको जिद करने लग गया मेरे साथ खेलो खेलो, और उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, ये जो चेरी प्लम के सिम्टम्स हैं, कि जब आप सडन टेम्पर में उस मोमेंट में आपकी बॉडी जो है आपके ब्रेन के कहने से नहीं कर रही, और आपने ऐसा जो है मतलब नहीं चाहते हुए भी आपने इस तरह की उस टाइम सडन जो एक्शन लिया, ये जो सिचुएशन बनती है उसका जो मेडिसिन है वो है चेरी प्लम। दोस्तों इसी तरह से कई बार हम देखते हैं कि कई लोग जो होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए बैठे हैं, उनका मानसिक संतुलन आप कह सकते हो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, अचानक हंसने लग जाएंगे, अचानक रोने लग जाएंगे, या मान लीजिए कोई बात तो ऐसी है जो खुश होने वाली है वो उसमें रोने लग जाएंगे। उनका आप कह सकते हो जब मानसिक संतुलन इस तरह से इम्बेलेंस होने लगे कि उनकी एक्टिविटी ऐसी होने लगे कि आप सोचते हो अचानक क्यों हंसने लग गया, अरे अचानक क्यों रोने लगे, अरे इसमें अचानक गुस्से में इन्होंने बच्चे को क्यों पीट दिया, इन्होंने जो है खुद का सुसाइड का क्यों अटेम्प्ट कर लिया, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। जब इस तरह की सिचुएशंस किसी की लाइफ में बनने लगे तो उसकी मेडिसिन है चेरी प्लम। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है रॉक रोज। दोस्तों रॉक रोज के हम सिम्टम्स की बात करें तो ये मेडिसिन है जहां भी टेरर है, फियर है, पैनिक है, अगर ऐसा कहीं माहौल बन जाए और उसके कारण, उस माहौल के कारण जो फियर का था, जो टेरर अचानक मतलब डर का माहौल बन गया है कि नहीं, खौफ का माहौल बन गया, पैनिक सिचुएशन हो गई, और ऐसी सिचुएशन के कारण जो भी मेंटल सिम्टम्स आएंगे या उसके कारण बाद में उसके आफ्टर इफेक्ट से किसी आदमी के अंदर कोई बीमारी होने लगेगी, तो उसकी जो मेडिसिन है वो है रॉक रोज। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देखूं, मान लीजिए कोई घर में बैठे हैं और वहां पे अचानक आग लग जाए, तो अगर किसी घर में अचानक आग लगेगी तो आप सोचेंगे कि वहां का माहौल कैसा होगा, वहां फियर होगा, डर होगा, पैनिक होगा, टेरर होगा, और इन सारी चीजों से फिर जो सिम्टम्स लक्षण वहां के लोगों के अंदर आएंगे, आने वाले टाइम में कई तरह की बीमारियों से हो सकता है कि उनको सामना करना पड़े। तो अगर ऐसी सिचुएशन रही है तो उसकी मेडिसिन है रॉक रोज। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है इम्पेशेंस। दोस्तों इम्पेशेंस, जैसा कि ये मेडिसिन खुद ही बताती है, इम्पेशेंस यानी वो कंडीशन या वो सिचुएशन जिसमें कोई भी आदमी इरिटेबल हो जाता है वो इम्पेशेंस हो जाता है। इम्पेशेंस यानी अपना धैर्य खोने लगता है हर जगह, मतलब उसको जल्दबाजी करने लगता है, लूज टेम्पर या आप कह सकते हो क्विक टेम्पर, कोई भी काम जब वो शांति से नहीं कर पाता तो ऐसी सिचुएशन की जो मेडिसिन है वो इम्पेशेंस है, और ये मेडिसिन इसमें डली हुई है। दोस्तों ऐसे लोगों में आप देखेंगे कि चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा, उनमें बेचैनी यानी एंजाइटी देखने को मिलेगी, हर जगह वो जल्दबाजी करने लगेंगे, लूज टेम्पर करेंगे, स्ट्रेस रहेगी और ऐसे लोगों में एंजाइटी रहेगी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जैसे मेरी क्लिनिक पे एक पेशेंट आते हैं और उनको जो है मतलब जो उनकी प्रॉब्लम है वो तो बेसिकली आईबीएस की प्रॉब्लम है, उनको आईबीएस की प्रॉब्लम है जिसमें पेट पूरा खराब रहने लगता है, आईबीएस अलग से एक टॉपिक हो गया, उसका ट्रीटमेंट लेने आते थे और हमने उनकी मेडिसिन शुरू दी कि जो है मेडिसिन, उससे उनको कुछ फायदा होने लगा। फिर मैंने उनको ऑब्जर्व किया कि वो जब भी क्लिनिक में बाहर आते और 5-6 पेशेंट उनसे पहले जो बैठे होते हैं तो वो उस टाइम जो है पेशेंस नहीं रख पाते, इरिटेबल होने लगते, इधर उधर घूमने लगते, बाहर जो भैया बैठे रहते हैं उनको कहते हैं कि अरे मेरे बहुत लेट हो रहा है, मैं इतना वेट नहीं कर सकता, मुझे जल्दी मिलाइए। और ये एक बार नहीं, हर बार जितनी बार वो आते इस तरह का बिहेवियर करते थे, और मैं अंदर सीसीटीवी कैमरे में उनकी जो एक्टिविटी है उसको नोट करता था। तो उनको जब मैंने ये एक्टिविटीज देखी तो मेरा अचानक ध्यान गया कि उनकी जो मेडिसिन है वो तो इम्पेशेंस है। और दोस्तों हमने सारी मेडिसिन बंद की और उनको इम्पेशेंस मेडिसिन दी, और आप मानिए इस मेंटल सिम्टम्स पे हमने जैसे ही मेडिसिन दी 15 दिन के अंदर उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले, और लगभग 1.5-2 महीने बाद जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुके और हम उनका ट्रीटमेंट बंद कर चुके। तो आप इससे समझ सकते हैं कि होम्योपैथी के अंदर मेंटल सिम्टम्स का जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल है। बीमारी का नाम मैटर नहीं करता, इंपॉर्टेंट यह है कि सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, और जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये मैंने बात की इम्पेशेंस मेडिसिन के बारे में। दोस्तों लास्ट जो मेडिसिन है वो क्लेमेटिस। दोस्तों क्लेमेटिस के हम सिम्टम्स की बात करें तो इसके अंदर आपको डिजीनेस देखने को मिलेगा। डिजीनेस यानी सिर चकराना, आपको लगेगा मेरा सिर चकरा रहा, वर्टिगो, चक्कर आना, ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। इनअटेंशन, इनअटेंशन मतलब कहीं भी कंसंट्रेशन नहीं बना पाना। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका पढ़ाई में जो है करने बैठता है लेकिन अटेंशन प्रॉपरली नहीं दे पा रहा है क्लास के अंदर या अपनी स्टडीज के अंदर। इसी तरह से ड्रीमीनेस यानी डे ड्रीमर, आप कह सकते हो जो मतलब दिन में भी सपने देख रहा है, मतलब वास्तविकता से दूर हो सकता है। बैठे बैठे ही जो आदमी है कोई भी कोई काम नहीं करता, बड़े बड़े सपने देख रहा है, और रियलिटी में आप उसको देख के सोचते हो उसकी बातें सुन के, और कि अरे ये करता तो कुछ नहीं और बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है। तो ऐसे लोग जो डे ड्रीमर आप कहते हो, जो वास्तविकता से बहुत दूर है, अगर ऐसी सिचुएशन है, ऐसे मानसिक सिम्टम्स है, तो उसकी मेडिसिन है क्लेमेटिस। ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और आप
आप कह सकते हो ये पेशेंट बैठे बैठे बातों में तो सब कुछ कर लेता है लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं करता, और साथ के अंदर जो मेंटल सिम्टम्स बताए ऐसे पेशेंट के अंदर डिजीनेस वगैरह रहेगा या वर्टिगो भी उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये मेडिसिन थी जो कि रेस्क्यू रेमेडी के अंदर मिली हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह के कहीं भी सिम्टम्स है जो अभी तक हमने डिस्कस किए, ऐसी कोई सिचुएशन है फिजिकल मेंटल ट्रॉमा की या इस तरह के मानसिक सिम्टम या लक्षण आपको कहीं भी देखने को मिल रहे हैं तो उसके लिए आप रेस्क्यू रेमेडी यूज कर सकते हैं। अगर मैं वापस शॉर्ट के अंदर ब्रीफ करूं कि कौन कौन से सिम्टम्स है जहां रेस्क्यू रेमेडी को ज्यादा यूज किया जाता है, तो वो सिचुएशन जहां आपको लगता है किसी की लाइफ जो है थ्रेटनिंग हो गई है, लाइफ सेविंग जो है कुछ इमरजेंसी की जरूरत पड़ गई, वो चाहे कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, आप किसी भी नाम से कोई भी बीमारी का नाम लें, कुछ भी ऐसा ट्रॉमा है या कुछ भी है जहां इमरजेंसी लगती है, जहां रेस्क्यू की जरूरत होती है, वहां आप रेस्क्यू रेमेडी यूज कर सकते हैं एज ए फर्स्ट एड। दोस्तों मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए किसी को अचानक हार्ट अटैक आ जाए, इमरजेंसी सिचुएशन है, किसी को अचानक ब्रेन हेमरेज हो जाए, इमरजेंसी सिचुएशन है, किसी का अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी सिचुएशन है, और अचानक मान लीजिए कोई जल गया, इमरजेंसी सिचुएशन है, ऐसी जो सिचुएशंस है वहां पर आप रेस्क्यू रेमेडी यूज कर सकते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स कोट किए आपके साथ, कुछ और भी हो सकता है। इसी तरह से वो लोग जिनको एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहती है, घबराहट है, बेचैनी है, अचानक कोई आपने बुरी खबर सुन ली और अचानक आपका ब्लड प्रेशर या बीपी जो उसको हम कहते हैं वो शूट कर गया, ऐसी सिचुएशन के अंदर भी जो हाइपरटेंशन होता है उसके अंदर भी आप रेस्क्यू रेमेडी यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से चाहे कोई तरह का मेंटल शॉक यानी आपको मानसिक आघात लग गया, कोई तरह की आपने न्यूज सुन ली, हो सकता है कि किसी के मतलब लव्ड वन की घर में कोई डेथ की न्यूज सुन ली, या कोई और आपने ऐसी अनएक्सपेक्टेड आपको कोई समाचार मिल गया, न्यूज मिल गया, कोई जीवन में कोई ऐसी बात हो गई जिसने जो है किसी आदमी को बिल्कुल ही मतलब मेंटली उसको शॉक में डाल दिया और उसके बाद वो डिप्रेशन, एंजाइटी और ऐसी चीजों में चले जाते हैं, तो उसकी ये उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। कई बार होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कोई आदमी अचानक बेहोश हो गया, उसको चक्कर आ गया है, या आप कह सकते हो कि कई बार इतना मानसिक इम्बेलेंस हो जाना कि पागलपन जैसी हरकतें हो जाना, जैसे मैंने अभी मेडिसिन में बताया था कि बिना बात हंसना, बिना बात रोना, ऐसा जो व्यवहार कोई करने लगता है, बहुत ज्यादा जो तनाव में रहते हैं, एंजाइटी या आप स्ट्रेस कहते हो, डिप्रेशन कहते हो, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, ऐसी सारी कंडीशंस जो होती है वहां भी आप रेस्क्यू रेमेडी यूज कर सकते हैं। मेंटल सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जैसा हम बात कर रहे हैं, और इसी में अगर हम आगे बात करें तो वो लोग जिनको मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है, तो जिसको तनाव रहता है वो अक्सर डर में रहते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा एक डर बना रहता है, खुद का डर बना रहता है, उनके फैमिली मेंबर्स का डर बना रहता है कि मेरे घर में कुछ बुरा नहीं हो जाए, मेरे फैमिली मेंबर्स का कुछ बुरा नहीं हो जाए, और कई लोगों को अपने करियर का हमेशा एक डर बना रहता है, एंटीसिपेटरी फियर हम जिसको बोलते हैं, जो चीज नहीं है उसकी भी कल्पना करके वो डरते रहना, इस तरह का डर है तो रेस्क्यू रेमेडी यूज कर सकते हैं। कोई भी तरह का फियर जैसे बच्चों के अंदर हो सकता है, उनको एग्जाम का डर है, आप एग्जाम जाने जा रहे हो, साल भर आप पढ़े हो, बहुत अच्छा है, पर एक डर आपको लग रहा है कि अरे मैं एग्जाम अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आप एग्जाम से पहले दो डोज रेस्क्यू रेमेडी का ले लीजिए 15-15 मिनट के गैप से, और आप देखेंगे कि आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। इसी तरह से मान लीजिए आप कोई स्पीच देने जा रहे हैं, आप कोई पब्लिक मीटिंग में जा रहे हैं, सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं, आप कोई स्पीच देने जा रहे हैं, और ऐसी जगह अगर आपको लोगों से मिलने में डर है, अपने आपका प्रेजेंटेशन देने में डर है, सब कुछ आते हुए भी एक झिझक है, डर है, घबराहट है, तो वहां पे जो सोशल फोबिया हम जो वर्ड कहते हैं उसकी भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो लोग जो चिड़चिड़ापन और बहुत ज्यादा रहता है उसके लिए भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों ये मेन मेन सिम्टम्स थे जो रेस्क्यू रेमेडी के मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, और मेडिसिन बहुत बड़ी होती है आप जानते हैं, तो नेचुरली और भी काफी कुछ सिम्टम्स होते हैं, बट मेन सिम्टम्स जो है क्लिनिकल वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। अब हम बात करें इसकी डोज की, कैसे लेना चाहिए। देखिए रेस्क्यू रेमेडी इमरजेंसी की मेडिसिन है, तो जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जैसा भी हम डिस्कस कर रहे थे, अचानक जहां मतलब आपको बहुत तेजी से रिजल्ट चाहिए, तो वहां आप जो एक्यूट कंडीशन है वहां आप इसकी जो मतलब 2-3 बूंद डायरेक्टली जीभ पे, टंग पे डाल सकते हैं एडल्ट डोज में, 3 बूंद स्टैंडर्ड डोज है, 4 बूंद चली जाए तो भी कोई घबराने की बात नहीं, सेफ होती है मेडिसिन, तो एवरेज 3 ड्रॉप आपको एक बार में डालनी होती है, और इमरजेंसी सिचुएशन में हर 10-15 मिनट तक आप इसको यूज कर सकते हैं, जब तक कि मान लीजिए पेशेंट कंफर्टेबल नहीं हो गया। सपोज कोई पेशेंट बेहोश हो गया है, आप उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं या दूसरा कोई ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हो, उससे पहले आपके पास रेस्क्यू रेमेडी पड़ी है, तो आप उसको हर 10-15 मिनट से एक डोज रेस्क्यू रेमेडी की दे सकते हैं, और आप देखेंगे कि 2-3 डोज के अंदर भी जो है आपका पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया और वो नॉर्मल हो गया, और जो सिचुएशन लग रहा था लाइफ थ्रेटनिंग है उससे पेशेंट बाहर आ जाता है। और क्रॉनिक केसेज में हम जहां भी यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कोई मानसिक बीमारी के लिए यूज कर रहे हैं या कुछ ऐसा यूज कर रहे हैं, तो ऐसे केसेज में इसको दिन में 3-4 बार जो है पेशेंट को दिया जा सकता है। रेस्क्यू रेमेडी को पोटेंसी की यूज करें तो ये फिक्स
कॉम्बिनेशन आता है जैसा मैंने बताया, और रेस्क्यू रेमेडी नाम से ये मेडिसिन मार्केट में मिलती है, होम्योपैथिक स्टोर्स पे होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी इसको यूज करते हैं, और रेस्क्यू रेमेडी 30 भी कई जगह लिखा हुआ ये मेडिसिन आपको मिल जाती है। पैकिंग्स की बात करें 30 ml अवेलेबल होता है, 100 ml पैक भी इसका अवेलेबल होता है। दोस्तों मेडिसिन की बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा सेफ होती है, इनका कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं होता। बेटर रिजल्ट्स के लिए आपको हमेशा जो है अपना केस डॉक्टर के साथ जाके डिस्कस करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली आप लेंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज जो रेस्क्यू रेमेडी मेडिसिन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जो भी कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।